हेलो बच्चों, हम ये पढ़ रहे थे स्टोरी एक द अनथैंकफुल मैन, मतलब एक नाशुक्र इंसान की कहानी, जिसमें एक इंसान था जिसका नाम था रमन था, जो कैसे लोगों की मदद करता था। ठीक है, वो काफ़ी गरीब था। फिर हमने पढ़ा था कि वो एक कस्बे में जाता है वहाँ पे नौकरी ढूंढने के लिए। बीच में एक जंगल पड़ता है, वहाँ पे उसको कैसे एक कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी मिलता है जो उसमें गिर गए होते हैं। तो फिर कैसे वो शेर को पहले बाहर निकालता है, फिर बंदर को बाहर निकालता है, फिर सांप को बाहर निकालता है, फिर इंसान को बाहर निकालता है। ये सब मैंने आपको पहले स्टोरी में बताया, और ये भी बताया कि जो जानवर थे वो रमन से कहते हैं कि इस इंसान को बाहर नहीं निकालना, ये इस ज़मीन का या इस दुनिया का सबसे बड़ा नाशुकरा इंसान है, इसकी बातों पे भरोसा नहीं करना। फिर हमें पता चलता है कि जब उसको फिर नौकरी नहीं मिलती है, उस जब कस्बे में जाता है, फिर वो वापस आता है, फिर कैसे बंदर उसकी हेल्प करता है, उसको आम देकर उसकी भूख मिटाता है, फिर कैसे वो शेर के पास जाता है, वो उसको वो एक हार देता है, नेकलेस देता है, जो उसको किसी राजकुमार से मिला होता है या ठीक है। तो फिर वो कैसे वो उस नेकलेस को बेचने एक उसी सुनार के पास जाता है जिसकी वो कुएं से निकालते वक्त मदद करता है। फिर हमने पढ़ा कि वो कैसे वो जो है वो जो सुनार, वो उसको पता चलता है कि ये जो नेकलेस है, ये जो हार है गले का, ये उसी ने ही बनाया है, और ये हार जो है उसने बादशाह के बेटे के लिए बनाया था। तो वो ये बात बादशाह को बताता है, बादशाह फिर रमन को जेल में डाल देता है, काल कोठरी में डाल देता है और उसको बंद कर देता है। फिर आखिर उसमें पता चलता है कि जो उस रमन है वो उसको याद आती है ये बात कि उसको जानवरों ने बोला था कि इस इंसान पे भरोसा नहीं करना। तो हम आगे इसकी स्टोरी पढ़ेंगे क्या हुआ था फिर जब उसने उसको जेल में डाला था। फिर जस्ट एज ही सैड थिंकिंग ही रिमेम्बर्ड द स्नेक, ही कॉल्ड आउट द स्नेक एंड द नेक्स्ट मोमेंट द स्नेक स्लिथर्ड इनटू द सेल। जय अब वो दुखी बैठा हुआ था, परेशान से बैठा था, उसने सांप के बारे में सोचा और उसने क्या किया, सांप को आवाज़ लगाई, सांप को याद किया, और जैसे ही उसने उसको याद किया तो सांप उसके जो उसके कमरे में आ गया, जिस कमरे में वो बंद था वहाँ वो आ गया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आस्क द स्नेक। सांप कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रमन टोल्ड हिम दैट ही हैड कम टू बी इन दैट डार्क सेल। द स्नेक वॉज सैड टू हियर अबाउट रमन्स प्लाइट। तो रमन ने उसे कहा कि मैं एक काल कोठरी में बंद हूँ, और ये सुन के सांप जो है उसे काफ़ी दुख हुआ कि वो बहुत बुरा फील हुआ उसको कि बोल उसको जब ऐसी उसकी उसके ऊपर जो गुजरी थी वो सुन के बुरा लगा। ही सैड डोंट वरी आई हैव ए प्लान, आई विल स्लिप इन टू द क्वींस चैम्बर एंड बाइट हर। तो सांप कहता है कि टेंशन नहीं लो, आप परेशान ना हो, मेरे पास एक तरकीब है। मैं क्या करता हूँ, मैं जो क्वीन है, जो रानी है, जो बादशाह की जो बेगम है, मैं उसके कमरे में जाता हूँ और मैं उसको काट लेता हूँ। माय पॉइजन विल स्प्रेड इन हर बॉडी एंड शी विल बिकम अनकॉन्शियस। जो मेरा जो जहर है वो उसके पूरी बॉडी में, उसके वो जिस्म में फैल जाएगा और वो उसको बेहोश कर देगा। द किंग विल बी वेरी सैड, नथिंग विल बी एबल टू क्योर हर। जो बादशाह है वो दुखी हो जाएगा इस बात से कि उसकी जो रानी है वो बेहोश हो गई है और कोई भी चीज़ उसको ठीक कर नहीं पाएगी। हाउएवर इफ़ यू टच हर फोरहेड शी विल वेक अप, द किंग विल बी प्लीज्ड एंड ही विल सेट यू फ्री। हाँ, मगर जब आप उसके माथे पे छुओगे, टच करोगे, तो वो जाग जाएगी और इस बात से जो बादशाह है वो खुश हो जाएगा और तुम्हें आज़ाद कर देगा।
द स्नेक देन स्लिथर्ड अवे एंड इन टू द क्वींस चैम्बर एंड बिट हर। जो सांप था वो अब क्या, जो रान उसको बेगम थी, जो बादशाह की जो बेगम थी, उसके कमरे में गया और उसको काट लिया। द क्वीन फेल अनकॉन्शियस, हर मेड्स इनफॉर्म द किंग। जो बादशाह की जो बेगम थी वो बेहोश हो गई और उनकी जो नौकरानी थी, जो मेड्स थी, उन्होंने बादशाह को इतला की कि ऐसे ऐसे हो गया। द किंग कॉल्ड द डॉक्टर्स टू क्योर हर ऑफ द स्नेक बाइट बट दे कुड नॉट क्योर हर। जो बादशाह ने क्या किया, डॉक्टर जो हकीम थे उनको बुलाया ताकि उस सांप के काटने से उसको बचाए, मगर वो उसकी मदद नहीं कर पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए। द पॉइजन वॉज फास्ट स्प्रेडिंग, जो जहर था वो तेजी से फैल रहा था। द किंग ग्रीव सैड, ही मेड एन अनाउंसमेंट दैट इफ एनीबडी वॉज एबल टू क्योर द क्वीन द पर्सन वुड गेट हैंडसम रिवॉर्ड। जो दो बादशाह था वो काफ़ी दुखी हो गया, परेशान हो गया और उसने एक अनाउंसमेंट कर दी, कहा कि जो भी इस मेरी बेगम को ठीक करेगा उसे मैं एक अच्छा इनाम दूंगा, बड़ा इनाम दूंगा। द अनाउंसमेंट वॉज मेड इवन इन द प्रिजन, रमन ऑफर टू गो एंड ट्राई टू क्योर द क्वीन। तो जो अनाउंसमेंट हुई थी, जो उसने खबर दी थी, फैलाई थी, कि वो उस मतलब जो काल कोठरी थी वहाँ तक भी फैलाई थी, तो रमन ने क्या कहा कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं ये ठीक कर सकता हूँ। ही वॉज टेकन टू द क्वींस चैम्बर, ही टच द क्वींस फोरहेड, इमीडिएटली द क्वीन ओपन हर आइज, शी वॉज क्योर्ड ऑफ द स्नेक बाइट। तो उसको क्या, रमन को क्या किया गया, रमन को जो बेगम थी, जो जिसको महारानी भी बोलते हैं, वहाँ पे लेके गए। तो और उसने जैसे ही वहाँ गया तो उसने क्या किया, रानी के सिर पे हाथ रखा और वो अचानक से एकदम से आँख उसने खोल दिया और वो खड़ी हो गई। और वो जो सांप का जो काट, जो सांप का जहर था, उससे ठीक हो गई जो उसके बॉडी में था। द किंग वॉज प्लीज विद रमन एंड ही आस्क हाउ डिड यू लैंड अप इन द प्रिजन। तो जो बादशाह था वो खुश हो गया उससे और रमन से पूछा तुम जेल में कैसे पहुंच गए। रमन नरेटेड टू द किंग ऑल दैट हैपेंड टू हिम इंक्लूडिंग द गोल्ड स्मिथ्स अनग्रेटफुलनेस। रमन ने क्या उसको पूरी कहानी बताई जो भी उसके साथ हुआ, और वो भी बात बताई जिसमें जो वो सुनार था जिसने उसके साथ धोखाधड़ी की, एक हिसाब से जिसने उसकी एक तरीके से धोखा दिया, वो भी बताया कि वो कैसे हुआ। हियरिंग हिज स्टोरी द किंग गॉट एंग्री विद द गोल्ड स्मिथ, ही सेंट हिज गार्ड्स अरेस्ट द गोल्ड स्मिथ, यू आर ए क्रूअल एंड अनग्रेटफुल पर्सन, यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस अगेंस्ट एन इनोसेंट मैन, दिस मैन हैड वंस सेव्ड योर लाइफ। तो उस बादशाह ने जब उसकी कहानी सुनी पूरी तो वो उस सुनार के ऊपर काफ़ी नाराज हुआ, गुस्सा हो गया। तो उसने अपने जो गार्ड्स हैं, अपने जो सिपाही हैं, उसने उस सुनार के पास भेजे और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर बादशाह ने उसे कहा कि तुम बहुत ही क्रूअल इंसान हो, मतलब जो काफ़ी एक तरीके से शैतान टाइप का हो, वैसा इंसान, और तुम काफ़ी नाशुक्र इंसान हो, और बोला कि तुमने उसके खिलाफ कार्रवाई की जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम यू टोल्ड अ लाई अगेंस्ट हिम एंड गॉट हिम अरेस्टेड, नाउ यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन जेल, द किंग सेड टू द गोल्ड स्मिथ। तो उसने कहा कि इसकी मदद करने के बजाय तुमने इसको जेल में, इसके खिलाफ झूठ बोला और इसको जेल में डलवा दिया, अब तुम अपनी पूरी जो ज़िंदगी है वो पूरी जेल में गुजारोगे, ये बादशाह ने उस सुनार को कहा। देन द किंग टर्न टू रमन एंड गेव हिम बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। फिर क्या हुआ, जो बादशाह था वो रमन की तरफ मुड़ा और उसको
सोने के जो सिक्के उसका एक बैग पकड़ा दिया। गो होम एंड लिव हैप्पीली ही सेड टू हिम। रमन थैंक द किंग एंड वेंट होम। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो उसने उसे कहा, जब उसको सोने के सिक्के दिए और कहा कि जाओ अपनी घर जाओ और अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। रमन ने क्या, रमन ने शुक्रिया कहा बादशाह का और घर चला गया। और आखिर में फिर वो और उसकी जो बीवी है वो खुशी से रहने लगे। तो मॉरल ये है स्टोरी का कि आप बस अच्छाई करते रहे, अच्छाई करते रहे, धोखा किसी के साथ ना करें। जो धोखा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, आज नहीं तो कल। अब एक इंसान ने एक की मदद की थी, रमन ने एक सुनहर की मदद की थी, बदले में उसने उसको धोखा दिया। आखिर में क्या रिजल्ट आया कि वो खुद ही जेल चला गया। जिस सुनहर ने पहले एक अच्छे इंसान को जेल भेजा था, आखिर में बादशाह ने उसी को ही जेल में डाल दिया। हमेशा सच बोलो, ये इस कहानी का मॉरल है कि हमेशा किसी की मदद करनी चाहिए। किसी और अगर कि कोई आपकी मदद करता है उसकी वापस उसकी कोई मदद करनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई। थैंक यू सो मच।